हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कैपेसिटर को अगर चेक करना है तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर के जो प्रोब होता है उसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 200 माइक्रो, तो ये रेंज जो होता है, ये जो येलो कलर में है यहाँ पर, इसमें हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। को चेक करने के लिए चलिए हम अपने मल्टीमीटर के प्रोब को मल्टीमीटर में कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ब्लैक वाला जो वायर है इसके कॉमन कनेक्शन में जाएगा और जो रेड वाला वायर है इसके CX वाले कनेक्शन में, यानी कि MA वाले कनेक्शन में जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखें कि हमारे जो मल्टीमीटर है उसमें हाईएस्ट रेंज जो होता है उसका 200 माइक्रोफराड है और हमारा जो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं 4700 माइक्रोफराड का है। तो अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो ये चेक नहीं हो सकता है। अगर इसे चेक करना है तो आपको अलग से एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हम जो कैपेसिटर सबसे पहले चेक करने वाले हैं वो है 22 माइक्रोफराड की, जो मल्टीमीटर के रेंज के अंदर है। तो चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना बताता है इसमें। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर को चेक करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो माइनस वायर है मल्टीमीटर का, उसे हमें कैपेसिटर के माइनस साइड में लगाना है और मल्टीमीटर के प्लस वायर को हमें कैपेसिटर के प्लस साइड में लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है हमारा 22 माइक्रोफराड का है, लेकिन ये वैल्यू शो कर रहा है 13.8 या उससे लगभग 1 पॉइंट आगे पीछे है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं दूसरे वाले कैपेसिटर को चेक करके, जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोफराड। तो इसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का जो रेंज है उसे हम 2 माइक्रोफराड पे कर देते हैं। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रोफराड का है, लेकिन इसमें वैल्यू शो हो रहा है 0.9745 के लगभग है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है। अब चलिए दूसरे वाले को चेक करते हैं। ये कैपेसिटर 47 माइक्रोफराड का है। तो इसे चेक करके देखते हैं कि इसमें कितनी वैल्यू बताता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 47 के अप्रॉक्स बता रहा है, तो ये कैपेसिटर सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।